हूँ कुक विद अर्शक सिस्टर्स। आज हम बनाएंगे चिकन कबाब विद सैलड एंड सालसा। उसके लिए हमने लिया है प्याज, हरा धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिरी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, टमाटर। इसके लिए हम बोनलेस चिकन ले लेंगे। हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब हम सैलड के लिए लेंगे कैबेज, हरा धनिया, प्याज, टमाटर चॉप किया हुआ और एक नींबू का रस। यह ऑयस्टर सॉस ऑप्शनल है। हमने सालसा के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, टमाटर और हेलोपिनोस ले लिए है। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे चिकन। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस, शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे, टमेटोज ऐड कर लेंगे, हरा धनिया ऐड कर लेंगे, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, काली मिरी पाउडर ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। जार में ऐड कर लेंगे इसे। हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। चिकन को हमने दरदरा सा पीस कर ले लिया है। हमने पैन रख दिया है हॉट होने के लिए। जब तक पैन हॉट हो रहा है हम सैलड बना लेंगे। कैबेज, टमेटो ऐड करेंगे, अनियन ऐड कर लेंगे, हरा धनिया ऐड कर लेंगे, लेमन जूस ऐड कर लेंगे, अच्छे से टॉस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमारा सैलड रेडी हो चुका है। पैन हॉट हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हम कबाब की छोटी छोटी पैटी बना लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सब कबाब की पैटीज बना लेंगे। पैन हॉट हो चुका है। अब हम कबाब फ्राई कर लेंगे। हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं जब तक हम सालसा बना लेंगे। टमेटोज ऐड करेंगे हम मिक्सिंग जार में, हेलोपिनोज ऐड कर लेंगे, कोरिएंडर ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, ऑयस्टर सॉस ऐड कर लेंगे थोड़ा। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारे चिकन कबाब बनकर तैयार है सालसा और सैलड के साथ। हमने इसे पुदीना, मिर्ची और नींबू से गार्निश किया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।